जय हिंद। कैसे आप सब लोग? ठीक है ना? आपका परिवार कैसा है? ठीक है ना? सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज वीडियो बना रहा हूं मैं। वीडियो इसके लिए बनाया क्योंकि लाइव इसके लिए आया हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो कोरोना की वजह से जो लोगों की मौतें हो रही है, वो भी हॉस्पिटलों में, इसके वजह से आज वीडियो बना रहा हूं। ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना इंजेक्शन मिल रहा है, ना बेड मिल रहे, तो फिर आज एक आम आदमी कहां जाएगा? कहां जाएगा? कौन देखेगा वो आम आदमी को? देखेगा कौन? क्योंकि आपने लॉकडाउन किया है, तो फिर वो करेगा क्या? एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में, बहुत अच्छी आइडिया है। एक काम करिए, जो भी कोरोना से मर रहे ना, जो भी इंसान, उसको गवर्नमेंट, वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर, एक काम करिए, जो भी कोरोना से जिसकी मौत होगी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाख रुपया दे दो। कम से कम उसकी फैमिली का भला हो जाएगा ना, जो कोरोना से मर रहे हो उसके फैमिली का भला हो जाएगा। तो ये डिक्लेयर करिए आप कि जो भी कोरोना से मरेगा उसको सरकार 15 लाख रुपया देगी। ऐसा करिए, एक हफ्ते के अंदर देखिए, एक हफ्ता नहीं, 15 दिन के अंदर देखिए, कोरोना भाग जाएगा हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से कोरोना भाग जाएगा, किसी को भी कोरोना नहीं होगा। एक बार इतना करके देखिए आप, जितनी भी सरकारें हैं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट है, जो भी कोरोना से अगर मरता है उसको 15 लाख रुपया मुआवजा दे दीजिए। देखो, कोरोना ना डर के भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा हिंदुस्तान में से, 15 दिन के अंदर भाग जाएगा। कोरोना को भगाने का नया इलाज है अपने पास। 15 लाख रुपया जो भी मरेगा उसको मुआवजा दे दो। अगर 15 दिन में नहीं भागा तो आप बोल देना यार, चल मजाक बना है, गरीबों का मजाक बना के रखा है। मर रहा है गरीब, हमको क्या करना है यार? हो रहे उसके अनाथ बच्चे, हमको क्या करना है यार? हमको क्या करना है? हमको तो बस इलेक्शन के टाइम बस आपकी जरूरत है ना, इलेक्शन के टाइम आप लोगों की जरूरत है हमको। हमको क्या करना है? कोरोना से मरो, किसी से भी मरो, हमको क्या करना है ना? आपको भूल के रखता हूं, कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, दवाई ये वो कुछ नहीं। जो इंसान कोरोना से मरता है, और एक अच्छी ऑफर, चलो 15 लाख बोला था ना, सिर्फ 10 लाख रुपया दे दो। चलो, जो भी कोरोना से मरेगा उसको 10 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी। शुरुआत करिए ना, देखो 15 या 20 दिन के अंदर कोरोना नहीं भाग गया हमारे देश से तो बोल देना। हद हो गई यार, हद हो गई। जब आपके घर का कोई मरेगा ना,
तब आपको पता चलेगा मौत क्या होती है। क्योंकि आपके घर में मौत नहीं हुई है ना, कोई बड़ा नेता नहीं मरा है अभी तक कोरोना से, ना उसकी फैमिली मरी है कोरोना से। ये तो मर रहा है तो आम आदमी मर रहा है ना, मरने सब बंद कर दो साला, सब बंद करने का कुछ चालू नहीं चाहिए, सब बंद कर दो। कीड़े मकोड़े तो है इन लोग, अब तक तो मरते आए रोटी के लिए, खाने के लिए, इसके लिए उसके लिए मरते आए। मरने दो सालों को, आपका क्या जाने वाला है। आपको तो ये तब का तब याद आते है जब इलेक्शन होता है, उससे डरो, ऊपर वाले से डरो। आज मेरे माँ को 6 महीना हो गया, वो भी कोरोना से मर गए। बेड नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था। हमारे जैसे इंसान को यहाँ वहाँ फोन लगाना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली है, तब कहीं ना कहीं से बेड मिलता है। तो गरीब क्या करेगा। आज नासिक में इतना बड़ा हादसा हो गया, मर गए मासूम। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंजेक्शन नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, कीड़े मकोड़े तो है साले, मरने चाहिए ना, मरने चाहिए साले। ये जी के क्या करेंगे, जी के क्या करेंगे लोग। एक तो हॉस्पिटल में मरेंगे, नहीं तो अभी लॉकडाउन है घर पे मरेंगे। ना अनाज मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना दवाई मिलेगी, ऐसे घर पे मरेंगे। आपको क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को। मगर जिससे जाता है ना घर का सदस्य, उसको फर्क पड़ता है। इसके घर का सदस्य जाता है ना, उसको फर्क पड़ता है। हाँ, उसमें से एक मैं भी है, पड़ता है फर्क। कोरोना के नाम पे धंधा जो चल रहा है ना, बंद करो, बंद करो ये धंधा। 400-500 का इंजेक्शन आज 4,000-5,000 में बिक रहा है। कहाँ से देगा वो गरीब, कहाँ से देगा गरीब। पहला घर का राशन भरेगा, माँ बाप को संभालेगा, कहाँ से करेगा। हॉस्पिटल में जगह नहीं, जिंदगी भर झगड़े किए सालों ने। ये कीड़े मकोड़े मरने चाहिए, जिंदगी भर झगड़े के करे इन लोग ने, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, बस ये दो चीज के लिए जिंदगी भर झगड़े किए। मैं ये पार्टी का, मैं वो पार्टी का, बस जिंदगी भर सालों ने झगड़े किए। बस हमारा मंदिर बनना चाहिए, हमारा मस्जिद बनना चाहिए, हमारा चर्च बनना चाहिए, हमारा गुरुद्वारा बनना चाहिए, बस इसके लिए झगड़ा किया। बस हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसके लिए कभी झगड़ा नहीं किया। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनना चाहिए, उसके लिए झगड़ा नहीं किया। गरीब बच्चों के लिए फ्री एडमिशन, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए कभी झगड़ा नहीं किया इन लोगों ने। बस इन्होंने बस यही किया, भुगत रहे सारे, सारे के सारे भुगत रहे। जिस चीज के लिए झगड़ा किया इन लोग ने, आज बंद है सारे के सारे।
मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सारे बंद है, जिस चीज के लिए जिंदगी भर सालों ने झगड़ा किया सब बंद है। आज कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। करोगे रे, कब तक करोगे ये सब, कब तक करोगे? अभी तो सुधर जाओ, अभी तो सुधर जाओ, बस करो, अभी सुधर जाओ, अभी तो और नेताजी जब आपके घर में कोई अपना जाएगा ना तब आपको पता चलेगा। ऊपर वाला ना करे कि आपके घर में ऐसा कब हो, कब किसी का जान जाए, ऊपर वाला ना करे, मगर कम से कम दूसरों का भी परिवार है, इस बारे में भी जरा सोचो आप। कम से कम किसी के जिंदगी के साथ खेल के वो पैसे का धंधा मत करो, अभी मत करो। मत करो, बहुत हो गया अभी, बस करो। लोगों के जिंदगी के साथ मत खेलो।